नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएड व डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष रीअपीयर विशेष अवसर की परीक्षाओं का संचालन 2 मार्च से करवाया जा रहा है। ये परीक्षाएं 2 सत्र में संचालित होंगी। प्रातःकालीन परीक्षा का समय 9:30 बजे तथा सायंकालीन परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कड़कती ठंड झेल चुके आंदोलनकारी किसानों ने अब गर्मियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज की व्यवस्था कर ली है तो टेंट में पंखे भी लगवा दिए हैं। नहाने व अन्य कामकाज के लिए सबमर्सिबल लगा दी है। किसानों का कहना है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं लौटेंगे। अभी तो पंखे लगवाए हैं, आगामी कुछ दिनों में एयर कंडीशनर भी लगवाएंगे। दरअसल कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली कूच ऐलान के तहत किसानों ने गत 27 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर पड़ाव डाला था। तब से हजारों किसान टिकरी बॉर्डर से लेकर बाईपास तक ठहरे हुए हैं। गुरु चंबेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध एकेडमिक लॉ और बीएड की परीक्षाएं भी अब इंजीनियरिंग व डिस्टेंस एजुकेशन की परीक्षा की तरह ऑनलाइन व ऑफलाइन होंगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पूर्व जिले के लॉ कॉलेज, जाट कॉलेज, डीएन कॉलेज सहित सभी संबद्ध कॉलेजों के स्टूडेंट्स ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर गुरु चंबेश्वर विश्वविद्यालय में एकत्र हुए और गेट बंद कर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के पूर्व घोषित निर्देशों पर रोष जताया। पूरे देश में मौसम का मिजाज बदलता साफ दिख रहा है। सुबह और शाम को मौसम ठंडा है तो दोपहर में चमचमाती धूप निकल रही है। इसी बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के यूपी, हरियाणा, पंजाब में ठंड का असर देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य और दक्षिण भारत में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में भी बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश हुई है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। आगामी 1 मार्च से जयपुर से जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र होते हुए चंडीगढ़ और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर तक जाने वाली ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दौड़ती हुई नजर आएगी। नरवाना से कुरुक्षेत्र के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। अब तक यह ट्रेन डीजल इंजन के साथ चलती आ रही थी। 1 मार्च के बाद यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिमाचल के अंब, अंदौरा तक इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। उससे आगे दौलतपुर चौक तक डीजल इंजन से जाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में रेवाड़ी नारनौल रेल मार्ग पर शुक्रवार दोपहर मिर्जापुर बाछौद के पास मालगाड़ी पलट गई, जिसके कारण रेल मार्ग बाधित हो गया। वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल रेलवे के अधिकारी और टेक्नीशियन रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे हैं। वहीं रेलवे द्वारा घटना की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के आगे इंजन व कुछ डिब्बे और पीछे के डिब्बे सेफ है। मालगाड़ी में 90 कंटेनर थे। हादसे में करीब 50 नीचे गिर गए और रेल की पटरी भी उखड़ गई। किस्मत अच्छी रही कि यह मालगाड़ी थी, अगर सवारी गाड़ी होती तो हादसा बड़ा होता। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह डबल डेकर डिब्बे की मालगाड़ी काठवास से सामान भरकर बॉम्बे के बांद्रा जाने के लिए निकली थी। इस मालगाड़ी का ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है। मालगाड़ी पलटने के कारण इस रूट पर आने वाली चेतक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। अब चेतक एक्सप्रेस रेवाड़ी से अलवर, जयपुर होते हुए फुलेरा आएगी। पानीपत में बेरोजगारी का एक सफेद सच सामने आया है। यहाँ पानीपत कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए 13 पदों पर 27,671 युवाओं ने आवेदन किया है। चपरासी की नौकरी में शिक्षा 8वीं पास मांगी गई थी। युवाओं का कहना था कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने आवेदन किया था। पानीपत में पहुंचे आवेदनकर्ता युवाओं ने कहा कि कम से कम चपरासी की ही नौकरी मिल जाए। पानीपत कोर्ट में निकले पद के लिए योग्यता 8वीं पास है, लेकिन MA, BTech, BSc और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए युवक भी चपरासी की नौकरी की चाहत में जुटे रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में जेल से रिहाई की मांग की है। ओम प्रकाश चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70% से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई है। कोर्ट ने दिसंबर 2019 के आदेशों की अनुपालना न करने पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए और उनकी पैरोल अवधि 23 फरवरी तक बढ़ा दी है।
एलएसी पर चीन पीछे हटा, साउथ नॉर्थ पेंगांग में डिस एंगेजमेंट पूरा, गोगरा हॉट स्प्रिंग और देवसांग से सेना पीछे हटाने पर आज चर्चा होगी। पूरी लद्दाख में उत्तरी और दक्षिणी पेंगोंग लेक इलाके में डिस एंगेजमेंट पूरा हो गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक डिस एंगेजमेंट के बाद भारतीय जवान अपनी परमानेंट पोस्ट तक आ गए हैं। शनिवार भारत और चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स मीटिंग करेंगे। कमांडर लेवल की यह मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसमें तनाव वाले तीन इलाके गोगरा हॉट स्प्रिंग और देवसांग प्लेन्स में डिस एंगेजमेंट पर चर्चा हो सकती है। दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए 10वीं बार मिलेंगे। बैठक चीन की साइड वाले माल्डो एरिया में होगी। भारत ने शुक्रवार को एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ज्वाइंट ट्रायल के लिए आर्मी वर्जन हेलिना और एयरफोर्स वर्जन ध्रुवास्त्र को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH के जरिए रेतीले रेंज में ले जाए गए। यह 7 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी LOBL फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड में भी टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम है। यह सभी मौसम में दिन और रात दोनों में कारगर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO सेना और वायुसेना को बधाई दी। नासा के मिशन मार्स को भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति ने कामयाब बनाया। लैंडिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल का जिम्मा संभाला। 203 दिन बाद बेहद चैलेंजिंग मिशन। इस दौरान 6 पहियों वाले रोबोट ने 7 महीने में 47 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा किया। सांसें रोक देने वाला पल तब आया जब नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स की सतह पर उतरने वाला था। आखिरी 7 मिनट में रफ्तार शून्य पर लानी थी, फिर सेफ लैंडिंग जरूरी थी। बहरहाल यह सब पूरी कामयाबी से हुआ और अब इसका श्रेय भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति को दिया जा रहा है। जड़ों से कितनी भारतीय हैं स्वाति, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लैंडिंग के बाद जब वे नासा टीवी से बात कर रही थी तब उनके माथे पर बिंदी चमक रही थी। द साइंस के मुताबिक मार्स के करीब पहुंचना शायद कुछ आसान हो, लेकिन सबसे मुश्किल होता है यहाँ रोवर को लैंड कराना। ज्यादातर मिशन इसी स्टेज पर दम तोड़ देते हैं। परसिवरेंस रोवर आखिरी 7 मिनट में 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शून्य की गति तक पहुंचा। इसके बाद लैंडिंग की इस ऊंचाई, इस रफ्तार को शून्य पर लाना और फिर हौले से लैंड कराना किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर स्वाति मोहन और उनकी टीम ने यह कर दिखाया और दुनिया आज उन पर गर्व कर रही है। पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा फैसला, सरकार अगले सीजन से डायरेक्ट देगी MSP। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अगले सीजन से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही MSP का पेमेंट होगा। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि इसी के साथ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ही फसलों की कम से कम कीमत यानी MSP किसानों को देगा। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से MSP को ट्रांसफर करने के पीछे यह कारण है ताकि इससे गलत खातों में पैसे न जाएं और किसानों को पैसे मिलने में देरी भी ना हो। नया सिस्टम फसलों के प्रोक्योरमेंट के अभी के प्रैक्टिस को खत्म नहीं करेगा, यानी मंडियां बनी रहेंगी। शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 434.93 अंकों की गिरावट के साथ 50,889.76 पर बंद हुआ, जबकि 4 दिन में यह 1,264 अंक फिसला। NSE निफ्टी इंडेक्स 137.20 अंक नीचे यानी 14,981.75 पर बंद हुआ। सरकारी नौकरी अपडेट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। 25 फरवरी से शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी UPHESC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को प्रदेश के एडिड डिग्री कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 25 फरवरी 2021 से शुरू होगा, जो कि 26 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NIC.IN के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आंसर पर आपत्ति होने पर कैंडिडेट्स इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। CBSE ने CTET परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया था। कैंडिडेट्स 21 फरवरी शाम 5 बजे तक आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को ₹1,000 प्रति क्वेश्चन के हिसाब से फीस जमा करनी होगी। अगर आपत्ति सही पाई गई तो ये राशि परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम से कम 60% अंक यानी 150 में से 90 अंक लाने जरूरी है, जबकि OBC SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 55% यानी 150 में से 82 अंक लाने जरूरी है।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स IBPS PO/MT मुख्य परीक्षा के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in के जरिए चेक कर सकते हैं। राजस्थान के खाटू धाम में लगने वाले बाबा श्री श्याम का फाल्गुनी मेला इस वर्ष 17 मार्च से 26 मार्च तक लगेगा। इस बार बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर जानी होगी, अन्यथा वे दर्शन करने से वंचित रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेले को लेकर मंदिर कमेटी आयोजन की तैयारियों में जुट गई है। वहीं मेले में जाने से पहले श्रद्धालुओं को मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कराना होगा। मेला कमेटी ने इस बार बाबा का ध्वज लेकर आने पर भी पाबंदी लगाई है। मेले में इस बार झांकी, दुकानें, झूले वह भंडारे लगाने पर भी रोक रहेगी।